जय श्री माता जी। आज की प्रातःकालीन बेला में सहज योग ध्यान धारणा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज हम सभी बच्चे भारतवर्ष के कई शहरों से और भारतवर्ष के बाहर भी कई देशों से एकत्रित हुए हैं। तो श्री माता जी से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करें और आज आप हमें ध्यान की उन गहराइयों में उतारिए श्री माता जी, जो आप अपने सबसे प्रिय बच्चों को प्रदान करना चाहती हैं। माँ, हे परम पावनी माँ, हम आपके बच्चे अबोध हैं, अज्ञानी हैं, आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वत्र व्याप्त हैं श्री माता जी। कण कण में, हमारे हृदय में, सर्वत्र पूर्ण ब्रह्मांड में, हे परम पावनी माँ, आज का ध्यान आप अपनी इच्छा अनुसार हमको माध्यम बनाकर करवा लीजिए श्री माता जी। आज के ध्यान की अनुमति प्रदान करें माँ, प्रदान करें श्री माता जी। सबसे पहले हम सभी लोग एक बार कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। आराम से बैठ जाएंगे, कोई विचार नहीं, कोई भी विचार नहीं। लेफ्ट हैंड माँ के सामने खुला हुआ, राइट हैंड पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी की तरफ। प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, आप श्री महाकाली हैं, श्री भैरवनाथ है माँ, और मेरे शरीर के बाएं भाग में आप विचरण करती हैं, मेरे शरीर के बाएं भाग की देखभाल करती हैं। माँ, आप ही मेरे अंदर श्री महाकाली के रूप में प्रेम है, इच्छाएं हैं, भक्ति है, आपके प्रति समर्पण भी मेरे बाएं भाग से आता है माँ। हे परम पावनी माँ, मेरे अंदर की समस्त इच्छाएं, समस्त भाव, समस्त भक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके प्रति हो। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर के बाएं भाग में कुछ भी ना हो माँ, कोई भी अशुद्ध इच्छा, किसी और के प्रति भक्ति या कोई अगुरु कुगुरु के प्रति मेरा ध्यान कभी न जाए माँ। मेरे बाएं भाग में जो भी कुछ अशुद्ध है, अप्रिय है,
किसी भी अगुरु कुगुरु का प्रभाव है। मेरे किसी भी जन्म से आती हुई अशुद्ध अपूर्ण इच्छाएं, हे परम पावनी मां, आप अपने श्री महाकाली स्वरूप से पूर्णतया नष्ट कर दीजिए मां, और इसमें सिर्फ आपके प्रति भक्ति, शुद्ध इच्छा, आपसे मिलन की, आपके प्रति समर्पण की ही शेष रह जाए श्री माता जी, बाकी सब रिक्त कर दीजिए मां। सभी अशुद्धियों को आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए श्री माता जी, विलीन कर लीजिए मां। श्री माता जी, आप ही तो पृथ्वी मां है, आदि भूमि देवी है मां, हे परम पावनी मां, मेरे शरीर के बाएं भाग के सारे दोष, सारे विकार आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए मां, विलीन कर लीजिए श्री माता जी, विलीन कर लीजिए मां, विलीन कर लीजिए मां। बहुत सुंदर क्लियरेंस हो रही है, इसको होने देंगे, आनंद लेंगे चैतन्य लहरियों का जो हमारे बाएं हाथ से बह रही है, ठंडी शीतल चैतन्य लहरियां। अब राइट हैंड खोलेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश में, राइट हैंड मां की तरफ खुला हुआ। हे परम पावनी मां, कृपा करें और मेरे शरीर के दाएं भाग में, मेरी पिंगला नाड़ी में मां, जो मेरी क्रिया शक्ति है मां, जहां आप श्री महासरस्वती के रूप में मेरा ज्ञान वर्धन करती हैं मां, मेरी सृजन शक्ति है मेरे शरीर के दाएं भाग में, आप सभी वो कार्य करती हैं मां जो मेरे शरीर के बाएं भाग की इच्छाएं होती हैं, उसके अनुरूप मेरे शरीर का दाया भाग कार्य करता है मां। कृपा करें मां और मेरे शरीर के दाएं भाग को अतिशय विचारशीलता से, अतिशय क्रियाशीलता से आप दूर करें और ये आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर ले मां। मैं अपने सभी कार्य, सभी विचार श्री हनुमान जी को सुपुर्द करती हूं मां। हे परम पावनी मां, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, आप ईथर है मां, ब्रह्मांड में फैला हुआ चैतन्य है मां। श्री माता जी, मेरे सुप्रा कॉन्शियस एरिया से
जाने अनजाने नेगेटिव अटैक्स या किसी भी प्रकार की बाधा जो मेरे आध्यात्मिक उत्थान में अवरोध करती है, ऐसी सभी बाधाओं को मां आप अपनी आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए, मां विलीन कर लीजिए श्री माता जी, विलीन कर लीजिए श्री माता जी। दोनों हाथ गोद में, अपने चित्त को पूर्णतया एकाग्र करेंगे और मध्य में ले आएंगे, मध्य हृदय में। दो बार गहरी सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा हृदय वायु तत्व से प्लावित होता है। गहरी सांस भरें, छोड़ें दो बार, और तीसरी बार जगदम्बा का 12 बार नाम लेंगे। जगदम्बा 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 जगदम्बा। माँ के आगमन को महसूस करेंगे एक ऊर्जा के रूप में। पूरा चित्त मध्य हृदय में माँ जगदम्बा समस्त शक्तियों के साथ हमारे मध्य हृदय में। मध्य हृदय से ही अपने चित्त को हम मूलाधार चक्र पे ले आएंगे। यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री गणेश है माँ, कृपा करें और मुझे श्री गणेश जी से एकाकारिता प्रदान करें माँ। उनके समस्त गुण और समस्त शक्तियां मेरी मूलाधार चक्र में प्रवाहित करते मां। श्री गणेश जी को अपने मूलाधार चक्र में विराजित पाएंगे और श्री गणेश जी से एकाकारिता को महसूस करेंगे, आनंद लेंगे। जैसे श्री गणेश जी हमारे अंदर समा गए, हमारे रोम रोम में, कण कण में श्री गणेश जी हे प्रभु गणेश, जब हम एक हो गए, हमें योग मिला, तो आपके सभी गुण भी हमारे अंदर से प्रवाहित हो। हे प्रभु गणेश, मुझे अनन्य भक्ति प्रदान करें। हे विघ्नहर्ता गणेश, कृपा करें और मेरे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली समस्त बाधाओं को पूर्णतया नष्ट कर दें, उनको हर लें। हे विघ्नहर्ता गणेश,
आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त आप ही ओंकार हैं, आप ही स्वस्तिक हैं, आप ही तन्मात्राएं हैं। श्री गणेश जी को नमन करेंगे और ऊपर उठेंगे, गौरी कुंडलिनी माँ से विनती करेंगे, रीढ़ की हड्डी पे चित्त रखेंगे जहां पे हमारे सभी चक्र फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। रीढ़ की हड्डी पे 5 वर्टिब्रा ऊपर त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई कुंडलिनी माँ जन्मों जन्मों से इंतजार कर रही थी आदि शक्ति के अवतरण का। विनती करेंगे, हे माँ कुंडलिनी, हे गौरी माँ, उठिए और मेरे सभी चक्रों को विरंजित निरंजित कर दीजिए, माँ इन्हें सच कर दीजिए। पूरा चित त्रिकोणाकार अस्थि में महसूस करेंगे मां कुंडलिनी के मूवमेंट को। ऊपर चल पड़ी है मां, ऊपर ले चलेंगे स्वाधिष्ठान चक्र पे। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को नमन करेंगे, माँ से विनती करेंगे, माँ मुझे श्री ब्रह्म देव सरस्वती जी से एकाकारिता प्रदान करें और इनके समस्त गुण ज्ञान शक्तियां सृजनात्मकता मेरे स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवाहित कर दें। एकाकारिता का अनुभव करेंगे, रीढ़ की हड्डी पे स्वाधिष्ठान चक्र, चित्त को ऊपर उठाएंगे, कुंडलिनी माँ ऊपर आ गई हैं, नाभि चक्र पे, नाभि से पीछे सीधा रीढ़ की हड्डी का पॉइंट, वहां चित रखेंगे। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री विष्णु लक्ष्मी है माँ, कृपा करें और मुझे श्री विष्णु जी से श्री लक्ष्मी जी से एकाकारिता प्रदान करें ताकि उनके समस्त गुण और समस्त शक्तियां मेरे अंदर से बहने लगे। माँ कृपा करी श्री माता जी, पूरा चित्त नाभि चक्र पे संतोष विद्या योग भोग आनंद आध्यात्मिक उत्थान सब कुछ नाभि चक्र से प्राप्त हो। चित्त को ऊपर उठाएंगे अनाहत चक्र पे, मध्य हृदय के पॉइंट पे, पीछे रीढ़ की हड्डी पे, महसूस करेंगे इस चक्र को। जगदम्बा साक्षात जागृत है, नमन करेंगे माँ जगदम्बा, माँ ललिता, समस्त देवी देवता उपस्थित हैं यहाँ, सभी गण भी उपस्थित हैं यहाँ।
स्पंदन का आनंद लेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा करें और मुझे अपने अंदर संभाले। बहुत ही हृदय से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मुझे एकाकारिता प्रदान करें अपनी जगदम्बा रूप से, अनन्य भक्ति प्रदान करें माँ। अपने चित्त को लेफ्ट हार्ट में भी रखेंगे। आत्मा हमारी गुरु, सदैव सत्य का ज्ञान देने वाली हमारी आत्मा, कि हमारा चित्त हमारी आत्मा पे जाता है दिन भर में, क्या ये जागृत है? महसूस करेंगे आत्मा की उपस्थिति को हमारे बाएं हृदय में। रीढ़ की हड्डी पे चित्त रखे रहेंगे लगातार। धीरे धीरे चित्त को राइट हाथ में लाएंगे। माँ आप ही मेरे सभी संबंध है माँ, कृपा करें और मेरे राइट हार्ट को पूर्णतया जागृत कर लें। मध्य हृदय में आ जाएंगे धीरे से धीरे से, और माँ जगदम्बा की समस्त शक्तियों के साथ ऊपर आएंगे विशुद्धि चक्र में। श्री माता जी मुझे विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। आप ही साक्षात श्री राधा कृष्ण है माँ, मुझे अनन्य भक्ति प्रदान करें, अनन्य भक्ति प्रदान करें, योग प्रदान करें, मुझे विराट में मिला दें। आप ही साक्षात श्री विराट विराटांगना है माँ, धीरे धीरे चित्त को वैराग्य पिलाएंगे। प्रभु महागणेश पर ब्रह्म है ये, आदि शक्ति का ज्ञान श्री विष्णु जी को श्री महागणेश ने दिया, श्री ब्रह्मदेव को सृष्टि की रचना करने का ज्ञान श्री महागणेश ने दिया, आदि शक्ति की कृपा से श्री विष्णु जी के अंदर सभी चक्र जागृत हुए। ऐसे पर ब्रह्म श्री महागणेश को हम नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु महागणेश मुझे अनन्य भक्ति प्रदान करें। मुझे एकाकारिता प्रदान करें।
जो भी पाप, जो भी अपराध मेरे पूर्वजों के, मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के, मेरी बैक आज्ञा में संचित है, इन्हें पूर्णतया नष्ट कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए और मुझे अनन्य भक्ति प्रदान करिए। मेरे पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करिए। हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री महागणेश हैं, कृपा करें, कृपा करें श्री माता जी। चित्त को फ्रंट आज्ञा पे भी लाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, आप ही यीशु मेरी हैं, माँ कृपा करें और मुझे क्षमाशील बनाए, मेरे क्रोध को पूर्णतया नष्ट कर दे माँ, क्षमाशील बना दे माँ। मैंने सबको क्षमा किया माँ, आप भी मुझे क्षमा कर दें। सारी प्रार्थनाएं बहुत ही हृदय से बोलनी है। माँ मुझे अनन्य भक्ति प्रदान करें, फ्रंट आज्ञा में मूवमेंट हो रहा है, खुल रही है फ्रंट आज्ञा। चित्त को ब्रह्मरंध्र पे लाएंगे, थोड़ा प्रेस कर लेंगे, टैप कर लेंगे। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में सर रख देंगे, विनती करेंगे। हे परम पावनी माँ, आप ही मेरी कुंडलिनी माँ है, आपने ही मेरे अंदर सभी देवी देवताओं को स्थापित किया, जागृत किया। हे परम पावनी माँ, आप सहस्त्रार स्वामिनी है, आदि शक्ति हैं, कृपा करें और मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दे माँ। माँ के श्री चरणों में सर रख देंगे और महसूस करेंगे कि माँ हमें पूर्णतया शुद्ध कर रही है। हे परमेश्वरी, हे जगत जननी, हे महालक्ष्मी, हे देवी, कृपा करें और मेरा शिव से योग संभव करा दें, मेरा परम पिता से योग संभव करा दे माँ। चित्त को ऊपर अर्धबिंदु चक्र, बिंदु चक्र और वलय तक ले जाएंगे, आकाश तक ले जाएंगे, कुंडलिनी शक्ति आकाश तक पहुंच जाएंगे, आकाश से संपर्क स्थापित और परम चैतन्य की वर्षा आरंभ। ऊपर से गिरता हुआ परम चैतन्य हमारे सहस्त्रार पे, हमारे शरीर पे, तन मन पे, दोनों हाथों में,
श्री आदि शक्ति का प्रेम बरस रहा है पूरा चित सहस्त्र पे रहेगा माँ के श्री चरणों में। तीन महामंत्र गणेश मंत्र बोलेंगे। तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणा कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री माता जी के अमृत वाणी का श्रवण करेंगे चित्त सहस्त्रार में। Because you put dharma on them, they don't know how to bear it. They can't digest. So this will be the best way, is to just make them aware of their spirit. Once the light of the spirit comes, the light, they see everything clearly. Then no problem is there. And that's why this mother's quality is very helpful. I mean, in every country there has been a manifestation of the mother principle in every country, and it has been depicted and said, but later on it was taken over by people who didn't want to talk about mother because they could not justify themselves the way they were behaving. So they said best is not to talk of the mother. Also those who were very much advanced people, very matured, who were real incarnations, did talk about the mother all the time.
but still talk was talk. Now this has to work out as a mother has to work. So in your own way, when you are doing such, there also you have to be a mother. More mother's quality than the father's quality. That there's no ambition. There's no competition. There's no jealousy, nothing. Just you want your children to come up and to grow in their spirituality. If that is the only attitude we have, then you'll be amazed how satisfied you'll feel, because this is a very, very joy-giving thing to see people growing in spirituality. Not only talking about it, not only reading about it, but actually happening, actualizing within us. So this quality is very helpful, and that really helps every surgeon to be patient, to be kind, to be humble. But you have to correct also. There's a way of correction of another person, of people who are coming not from the divine world but from the normal world. So it's a difficult task to correct them. Some people are so hot-tempered they can't bear it. Doesn't matter. You have to forgive them. But best is to concentrate on people who are simple, who are loving, who are affectionate. And then gradually all these complicated people also will join. Your way of dealing with others has to be motherly. It's a motherly relationship has to be there. I was surprised that in the Western literature, I don't find any description of a child and a mother's relationship. Very surprised. There's no description at all. How the mother sees the child, how he walks, how he falls down, then how he gets up, and how he talks. All kinds of beautiful things as described. But not in the Western countries. I don't know, they never saw this point, I think. That is very important, that to describe the attention of the mother. How she is loving, how she is kind, how she tolerates so much nonsense, and how she keeps it in as a sort of a forgiving thing, not just to use it against the child or to trouble. Sometimes you have to correct, you have to tell, but at the right time, at the right place, if they are told, the child also sees the point, whatever is there. The first most convincing thing is the affection and the love of the mother. She goes on forgiving and giving that assurance that I have a mother. Nothing can happen to me. And this assurance works very well. But the same assurance you have to give to other surgeons who are getting realization from it. Let them feel that you are not angry with them. They are stupid, I know. They are sometimes violent. I've gone through all kinds of people. But only thing that has worked is pure love. Pure love has no attributes of expecting something. Just give love and try to improve that person with full attention. But in divine work, you don't have to get attached to that. Suppose there's somebody who is not up to the point, is also troublesome, gets angry with you, annoyed, insults you. So forget it. There are many others. There's no need to run after one person to get attached to that person or to make them fail. Now, main thing is that I feel all the surgeons always feel that I'm their own, which is a fact. Whether I talk to you, whether I meet you, or whatever it is, you have to know that I'm your mother. And any problem you have, you can always tell me. But sometimes the way people tell me problems also, I feel how low they are.
Their mentality is so low. What are they asking me? Supposing you go to some king and ask him for, say, $0.50. Then what will the king say? What is the matter with this person? He doesn't know what he should ask for. In the same way, one feels that way, that when you are asking anything to your mother, it should be of some value, some great value. It should have the value of complete satisfaction. When you ask for something, it should give you complete satisfaction. But I've seen people asking for this thing, for that thing, for, I mean, it's to such an extent that I sometimes feel, oh God, how am I getting all these people around me who are desiring something very low, very mean, very insipid. But if you are one with the Sastrara, then Sastrara itself works. It will bring you contact with people, in contact with such people that you are amazed how it works. I went to Turkey and my experience in Turkey has proved that beyond doubt. I never expected, but the Turkish people of all the people of the world have taken to Sahaja Yoga just like a windfall. Can't understand how they have accepted. And there were at least 2,000 people in the follow-up. And people were finding it impossible to get them around and tell them. And when they had very close meetings also, they had so many people. And they continue to be there. Now, maybe that is a very disturbed country with fundamentalism very much working out. But everywhere, every country has problems and has, we should say, a kind of a very destructive image. Every country has. But in some countries, I don't know how it sparks. And once they become Sahajyogis, no problem. It's no problem about anything. Once they are Sahajyogis, see, you don't have to tell them. They themselves work it out. They understand it. What is it? Like, we have every country which has problems, which has people who are not of a very great level, who are not great seekers. Maybe in some countries, I feel those who were great seekers are lost. Like England, I feel that all the seekers are lost by drugs, hippieism, all nonsense. America is the worst of all, which is so much lost into wrong seeking. And it's difficult to find people there who have right seeking. Gradually, it is working out. But still, I must say, we should not think of any one particular country where Sahaja Yoga is not working out so much, or in some places working out so much. It is what we have to think globally, that Sahaja Yoga is growing. And you are part and parcel of that society, which is Sahaja Yoga. It's a very rare society which they never had. They had one or two Sufis here and there, one or two realized souls here and there, who only suffered. All their lives, they were tortured. Nobody looked at them. I had great hopes about Maharashtra, but I'm so disappointed because they tortured all these great saints all throughout, so badly, in such a mean manner, that I think they are still paying for it. And despite the fact I've done so much work there, what I feel is that their karmas are not good because they still, I would say, it's a rotten country. It's become so rotten. You can see that the way people are behaving, whole thing is so bad. Though Sahaja Yoga is there, no doubt, but I wouldn't say it is of that level as it is in the north of India. Very surprising. North Indians never knew anything about Sahaja Yoga. They were not such religious people either. But how the north people have taken to Sahaja Yoga, it's very surprising. So you can't say where the light will show. Just can't say. And wherever it shows, we should accept. Wherever it doesn't show, we should not feel bad about it. What can you do? You cannot sort of break their heads for Sahasrara. Their Sahasrara has to be opened up.
And with your motherly love, with your motherly understanding, I'm sure you can do it. Not, may not be to the same extent in every country, but I'm sure, as I feel, that maybe the punyas of these great saints will work. And maybe wherever I felt a little bit disappointed, I feel that all these places will work out. And the yoga will grow. But first and foremost is your sastra. Only your sastrara can reflect the light of the temple. So your sastrara is extremely important. You must meditate to enrich your sastrara, to cure it, to make it completely nourished by the kundalini. There's no need to do many rituals, but meditation and also little bit of taking bandhan even now today is necessary, I think, when you go out. Because still Kali Yuga is working its own pangs and the Satya Yuga is trying to come. We are the ones who are going to support, look after the Satya Yuga. And that's why the sastrara opening is very, very important. It's very important. And those who want to grow should meditate every day, whatever time you will come home, maybe in the morning, maybe in the evening, any time. But you will know that you are meditating when you can get into thoughtless awareness. Then you will know. Your reaction will be zero. Look at something, you'll just look at it. You won't react because you are thoughtless. You won't react. When that reaction is not there, then everything will be surprised is divine. Because reaction is your agyas problem. Once you are absolutely thoughtlessly aware, you are one with the divine. So much so that divine takes over every activity, every moment of your life and looks after you. And you feel completely secure, one with the divine, and enjoy the blessings of the divine. May God bless you. श्री माता जी की अमृत वाणी हमने सुनी और आज इसका अनुवाद अवेलेबल नहीं है, ट्रांसलेशन. सो मैं समराइज कर देती हूँ. इसमें श्री माता जी हमको सहसार पूजा की है, 1998 की कबेला की स्पीच थी, जिसमें श्री माता जी ये बता रही हैं कि जो कुंडलिनी शक्ति है जो जागृत होती है और हमारे सहस्रार में ब्रह्मरंध्र का भेदन करती है और जिससे हम सत्य को पहचानने लगते हैं. और जब ये घटना घटित होती है उस समय हमारा, क्योंकि आज्ञा चक्र खुलने के बाद ही कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र का भेदन करती है, तो हमारे रिएक्शंस बंद हो जाते हैं. तो उसका मतलब है कि हम थॉटलेस अवेयरनेस में हैं. ये हमारी पहचान है प्रैक्टिकली, कि अगर हमारे रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं तो हम निर्विचार रहने लगे हैं. और इसके अभ्यास के लिए माँ ने बताया कि दिन में कम से कम एक बार, सुबह या शाम को, कितने भी बजे आप आए, कितना भी लेट हो, जल्दी हो, कुछ भी हो, आपको ध्यान अवश्य करना चाहिए ताकि आप आपके सहस्रार पे रहने लगे. क्योंकि माँ ने बताया कि अभी भी ये काम जो है, और सहस्रार पे जब हम ज्यादा से ज्यादा रहने लगेंगे तो ये सतयुग की शुरुआत है, क्योंकि सहस्रार सत्य बताता है, आपको सत्य की पहचान कराता है, सत्य का ज्ञान देता है. तो वो सत्य युग यानी सतयुग की तरफ हम जा रहे हैं. लेकिन अभी भी कलयुग पूरी तरह खत्म हुआ
नहीं है। इसलिए माँ ने कहा कि आप जब भी बाहर जाएं तो बंधन लेकर के जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमको ध्यान देना है कि माँ ने क्या बताया है कि क्योंकि कलयुग चल ही रहा है, अभी ये कृतयुग कहा जाता है, कलयुग से सतयुग के ठीक बीच का समय ट्रांजिशन पीरियड है ये, तो हमें बंधन लेना चाहिए। क्योंकि बंधन लेने का मतलब है हम माँ के प्रोटेक्शन में आ गए और हमारा हमारी कुंडलिनी सहस्त्रार पे आ गई, तो इसलिए हमको बंधन लेना चाहिए। हम हमेशा सहस्त्रार पे रहें इसका प्रयास करना चाहिए। दूसरी श्री माता जी इसमें शुरू में जैसे बता रही थी कि अभी भी हम सहस्त्रार पे आकर के भी हम उसको हमारी वननेस विद डिवाइन को उतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जैसे हम जो अभी भी माँ से इच्छाएं रखते हैं, प्रार्थनाएं रखते हैं, वो बहुत ही निम्न स्तर की हैं। और माँ कह रही है, एग्जाम्पल दे रही है कि ये कुछ इस तरह से है कि जैसे कोई राजा के पास जाए और बोले हाफ अ डॉलर आप मुझे दे दो, 50 सेंट्स मुझे दे दो, 50 रुपए मुझे दे दो, तो आप क्या मांगते हैं प्रार्थनाओं में उसका बड़ा रेलेवेंस है, क्योंकि आपका सहस्त्रार खुला है, सारी प्रार्थनाएं ईश्वर के पास लगातार जा रही हैं, परम चैतन्य उसको घटित कर दे रहे हैं। तो हमको अपनी प्रार्थनाओं पे ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह की इच्छाएं रख रहे हैं। तो इसके बारे में श्री माता जी बता रही थी, और श्री माता जी बता रही थी कि हम धर्म को कब पहचान सकते हैं। हम धर्म को सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा की जागृति के बाद पहचान सकते हैं। जब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं है, हमारी कुंडलिनी शक्ति ही हमारी आत्मा को जागृत करती है, एनलाइटन करती है, इग्नाइट करती है, तो तभी हम धर्म के असली तत्व को पकड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो माँ ने कहा इस कार्य के लिए हमको लोगों को जब हम रियलाइजेशन देते हैं तो क्योंकि ये मातृ शक्ति है, तो हमको एज अ मदर किसी को स्पिरिचुअलिटी में उतारना चाहिए और उसको ग्रो करता हुआ देख के प्रसन्न होना चाहिए, ना कि ईर्ष्या करनी चाहिए और ना कि वो गलत हो जाए तो उस पर क्रोध करना चाहिए। लेकिन माँ ने ये भी कहा कि यदि कोई अटैचमेंट नहीं हो जाना है, ठीक है स्पिरिचुअलिटी में उतारना है, और वो बार बार गुस्सा भी करेगा, अनॉयड भी होगा, स्टूपिड प्रश्न भी करेगा, तो लेकिन वो एक हद तक, अगर कोई बहुत ज्यादा आपको इस तरह से परेशान कर रहा है, आप उसको स्पिरिचुअलिटी में उतार रहे हैं और वो आपको तंग कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, आपसे गुस्सा कर रहा है, तो आप उसे छोड़ दें। क्योंकि माने का और भी तो इतनी सिंपल हार्टेड इतने सारे लोग हैं जिनको हम रियलाइजेशन दे सकते हैं, जिनको हम सतयुग का एक हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि सहस्त्रार उनका खुल जाएगा और वो स्पिरिचुअलिटी में उतरेंगे तो वो धर्म के तत्व को जान सकेंगे। So, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे आज की अमृतवाणी के मेरी चेतना के अनुसार। तो और किसी को कुछ इसमें से कोई प्रश्न है या कुछ छूट गया है तो वी कैन डिस्कस। आई गेस नॉट, सभी को लगता है पता ही चल गया है। बहुत ही सुंदर सरल भाषा में श्री माता जी ने बताया हमको कि किस तरह से हमको लोगों को रियलाइजेशन देना है, क्योंकि ये मातृ शक्ति है और मदर के अंदर जो पेशेंस होता है वो पिता के अंदर नहीं होता है, तो हमारे अंदर मदर क्वालिटी जब विकसित होंगी तभी हम लोगों को सहज योगा दे सकेंगे। श्री माता जी ने बताया कि वेस्टर्न, क्योंकि ये कबेला की स्पीच है, पाश्चात्य देशों में माँ के विषय में कहीं कोई वर्णन नहीं है, जैसा कि मतलब जिस तरह से माँ जो है अपने बच्चे को प्रेम से देखती है, कैसे चलता है, उठता है, बैठता है, और जैसे हमारे यहाँ रामलला का और कृष्ण की बाल लीलाओं का कितना सुंदर वर्णन है, वैसा वहाँ पे बचपने का वर्णन नहीं है, माँ और बच्चे के बीच के संबंध का और माँ किस प्रकार से नर्चर करती है अपने बच्चे को, तो ये भी श्री माता जी ने यहाँ पे बताया था। सो
बहुत सुंदर स्पीच थी माँ ने जो आज हमको बताई। तो हमें यही ग्रहण करना है कि एक तो हम हमेशा बंधन लेकर के बाहर जाएं, क्योंकि कलयुग अभी भी चल रहा है और हमें माँ के प्रोटेक्शन में रहना है। कुंडलिनी सहस्त्रार पे आ जाती है बंधन लेने के बाद, और जब हम सहस्त्रार पे हैं तो हमारी सारी जो क्रियाकलाप है उसकी देखभाल स्वयं ईश्वर करते हैं। तो ईश्वर के हाथों में हम चले जाते हैं जैसे ही हम सहस्त्रार पे होते हैं, तो हमको अपनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही हमारी देखभाल करते हैं। एक तो ये, और दूसरा ये कि ध्यान अवश्य करना चाहिए, निर्विचार अवश्य होना चाहिए, रिएक्शंस बंद हो जाने चाहिए। लोगों को जब हम रियलाइजेशन दें तो बहुत प्रेम से दें, माँ की भावना से दें, कोई ईर्ष्या नहीं, कुछ नहीं, उसको और बढ़ने दें, उसकी ग्रोथ होने दें स्पिरिचुअलिटी की। ये श्री माता जी ने बताया, तो आई थिंक मोर और लेस सारा कवर हो गया है जो माँ ने इसमें बताया। थैंक यू श्री माता जी, लव यू श्री माता जी, थैंक यू सो मच माँ। चलिए ध्यान की तरफ चलते हैं। एकदम बैठ जाएंगे शांति से, पूरा चित्त इकट्ठा कर लेंगे, आंखें बंद, पूर्णतया आंखें बंद, कोई विचार नहीं, कंप्लीट सरेंडर टू द डिवाइन पावर। पूरे चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे, और जो क्लियरेंस के समय हमारे साथ नहीं थे उनके बेनिफिट के लिए एक बार फिर से हम 12 बार जगदम्बा बोलेंगे। गहरी सांस भरेंगे, चेस्ट में रोकेंगे और जगदम्बा 12 बार बोलेंगे। जगदम्बा 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 जगदम्बा। पूरा चित्त मध्य हृदय में, माँ जगदम्बा अपनी समस्त शक्तियों के साथ हमारे मध्य हृदय में, समस्त देवी देवताओं के साथ, समस्त गणों के साथ हमारे मध्य हृदय में विराजित है। नमन करेंगे माँ को, बहती हुई ऊर्जा का आनंद लेंगे। चित्त को बाएं हृदय में लाएंगे और मां से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, आप ही मेरी कुंडलिनी शक्ति हैं, उठिए जागिए और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। बाएं हृदय में अपनी आत्मा को महसूस करेंगे। अपने ही अंदर उतरना है, अपने ही को पाना है। सभी देवी देवता हमारे ही अंदर है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। बाएं हृदय में उतर जाएंगे, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं ये मन बुद्धि अहंकार आदि इत्यादि कोई उपाधि नहीं हूं माँ, मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूं माँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए श्री माता जी।
हम अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं। धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे, राइट हार्ट में भी जाएंगे, महसूस करेंगे राइट हार्ट में ऊर्जा को। फिर से मध्य हृदय में आएंगे, श्री गणेश जी के पास चलेंगे मूलाधार चक्र में, नमन करेंगे, विघ्नहर्ता श्री गणेश। स्वाधिष्ठान चक्र में आएंगे, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को नमन करेंगे, नाभि चक्र पे आएंगे, श्री विष्णु लक्ष्मी जी को नमन करेंगे। मध्य हृदय में माँ जगदम्बा नमन करेंगे, विशुद्धि चक्र में आएंगे एकदम गले के अंदर, श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे। आज्ञा चक्र पे आएंगे, श्री येशु मेरी को नमन करेंगे। सभी देवी देवता जागृत हैं और प्रसन्न हैं, महसूस कर सकते हैं हम। सहस्त्रार पे आएंगे, प्रेस करेंगे दाएं हाथ की हथेली से, टैप करेंगे, पूरा चित्त सहस्रार पे, श्री चरण उभर के ऊपर आ गए हैं, नमन करेंगे श्री चरणों में माँ के। ऊपर चलेंगे माँ से अनुमति लेके, अर्ध बिंदु चक्र 3-4 इंच ऊपर सहस्रार से, महसूस करेंगे इस चक्र को अर्ध चंद्र की तरह है ये, दाएं बाएं हो रहा है। ऊपर चलेंगे बिंदु चक्र पे, घूम रहा है ये चक्र। वलय चक्र पे जाएंगे, जहां दोनों हाथ ऊपर करने पे मिलते हैं जोड़ के, वलय चक्र चूड़ी की तरह, चित्त की एकाग्रता बनाए रहेंगे लगातार। वलय चक्र, शरीर को बिल्कुल एहसास ना हो इस स्थिति में पहुंचना है। ऊपर चढ़ रहे हैं हम वलय चक्र से ऊपर, प्रदक्षिणा चारों तरफ परिक्रमा करती हुई, प्रदक्षिणा की स्थिति, वलय चक्र की परिक्रमा। इस स्थिति के भी ऊपर चलेंगे और महसूस करेंगे कि जैसे स्वर्ग से एक सीढ़ी सी लटकी हुई है, हमारी कुंडलिनी माँ उसके बीच में से होती हुई ऊपर चढ़ रही है। ये सब छोटे छोटे चक्र है, ऊपर चले जाएंगे आकाश तक इस सीढ़ी के सहारे। आकाश के भी परे जाएंगे, अंतरिक्ष, श्री मंगल ग्रह, श्री गणेश जी का ग्रह नमन करेंगे, श्री बुद्ध ग्रह, श्री ब्रह्म देव जी का ग्रह नमन करेंगे, बृहस्पति ग्रह, लक्ष्मी नारायण जी का ग्रह नमन करेंगे, आदि गुरुओं का ग्रह, धर्म के बीचों बीच बैठते हैं श्री लक्ष्मी नारायण,
शुक्र ग्रह प्रेम का ग्रह शुक्राचार्य नमन करेंगे, शनि ग्रह लॉर्ड ऑफ रिंग्स, श्री कृष्ण जी का ग्रह नमन करेंगे, सूर्य सूर्य देवता आज्ञा चक्र पे, आज्ञा चक्र पे सूर्य देव नमन करेंगे, चंद्रमा चंद्रमा की शीतलता सहस्त्रार पे, सभी ग्रहों को सभी चक्रों को प्रभावित करते हुए चंद्रमा श्री शिव के शीश पे विराजने वाले चंद्रमा नमन करेंगे, यूरेनस अर्धचंद्र के आकार के दिखता है ये ग्रह, हमेशा ही तिरछा हुआ रहता है, नमन करेंगे, बिंदु नेपच्यून वरुण ग्रह डार्क ब्लू बिंदु चक्र के देवता श्री सदाशिव, उनके बिना तो ये जीवन संभव नहीं, प्लूटो खूबसूरत प्लूटो शीतल फ्लेम्स देने वाला प्लूटो शीतल हवाएं देने वाला प्लूटो नमन करेंगे, नवग्रहों का आशीर्वाद लेंगे, पूरे अंतरिक्ष का भ्रमण करेंगे, नेबुलास रंग बिरंगे ऑरेंज लाइट येलो सभी रंग है यहाँ पे, आकाश गंगाएं गैलेक्सीज मिल्की वेज कितने सारे यूनिवर्सेस कितने सारे ग्रह सबके आशीर्वाद के साथ परमात्मा से मिलन के लिए और ऊपर चलेंगे, अंतरिक्ष के परे ही जाना है, यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, एकदम बिल्कुल जैसे सब शांत हो गया, अंतरिक्ष का ग्रहों की गति शांत सब कुछ शांत ठहर गया है, सब शून्य सरोवर में आ गए, शून्य सरोवर देह विहीन है हम, श्री सदाशिव बहुत ही विशाल काय आकार में ध्यानस्थ ऊर्जा से भरे हुए ऊर्जा का बहुत ही विशाल आकार श्री चरणों में रख देंगे, अपने मस्तक को सूक्ष्म शरीर के मस्तक को हे प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए यहां तक पहुंचाया बुलाया, कृपा करें और मेरे सभी पाप संताप दुख कष्ट
अपने श्री चरणों में विलीन होने दीजिए। मेरे समस्त अपराध क्षमा कीजिए। जो भी मैं इच्छाएं अभी भी रखती हूं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। कोई इच्छा नहीं है प्रभु, आप सिर्फ मुझे योग प्रदान कर दें, यही इच्छा है। बाकी समस्त इच्छाओं के लिए मुझे क्षमा करें, मन वचन कर्म मेरी इंद्रियों के सुख की इच्छाएं जो भी मैंने आपसे की उसके लिए मुझे क्षमा करें। क्षमा करे शिव शंभु, क्षमा करे। चित्त की एकाग्रता को बनाए रखेंगे, चित्त से ही सब समर्पित करते हैं हम देवी देवताओं को, ईश्वर को। दर्शन करेंगे जी भर के, पहचान तो लें पहले, जान तो लें अपने परम पिता को। ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए, चैतन्य से बना हुआ आकार, बहुत ही विशाल का। प्रार्थना करेंगे हे प्रभु, मुझे शुद्ध आत्मा बना दिया आपने, मुझे अपने हृदय में स्थान दे दीजिए, मुझे अपने हृदय में संभालो, मुझे अपने हृदय में संभालो प्रभु। समा जाएंगे श्री सदाशिव के बाएं हृदय में, मुझे अपने हृदय में संभालो प्रभु, संभालो, संभालो प्रभु। अनुभव करें, आनंद लें एकाकारिता का। धीरे धीरे डिटैच करेंगे अपने आप को, फिर से श्री चरणों में सिर रख देंगे। प्रार्थना करेंगे हे प्रभु, आपने मुझे योग प्रदान दिया, आपको कोटि कोटि नमन। आपने श्री माता जी को, श्री निर्मला देवी को आदि शक्ति के अवतरण पृथ्वी पे भेजा, हमारा साक्षात्कार दिया, योग संभव हुआ, आपसे योग संभव हुआ। आपको कोटि कोटि नमन है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। आदि शक्ति के अवतरण के लिए धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। श्री सदाशिव की इच्छा ही आदि शक्ति है। श्री सदाशिव ने चाहा तभी मां धरती पे आए, ब्रह्मांड का सृष्टि का सृजन किया। धन्यवाद करेंगे श्री सदाशिव को आदि शक्ति के अवतरण के लिए, हमारा साक्षात्कार देने के लिए, स्वयं से योग प्रदान करने के लिए। हे शिव शंभु, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। धीरे धीरे अनुमति लेंगे प्रभु के, सिर उठाएंगे, सूक्ष्म शरीर पहुंचा है हमारा वहां पे। धीरे धीरे अपनी देह में वापस आना है, अंतरिक्ष तक आएंगे, सब ग्रहों का धन्यवाद करेंगे,
आकाश तक आएंगे, चारों तरफ फैले हुए परम चैतन्य को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। हमारे साथ गिरता हुआ परम चैतन्य सहस्त्र तक आ जाएंगे। श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे, सर रख देंगे। सहस्त्र स्वामिनी श्री माता जी, ब्रह्मांड स्वामिनी श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन। शिव से योग कराने के लिए आपको कोटि कोटि नमन है श्री माता जी। अपने ब्रह्मरंध्र से हम परम चैतन्य को महसूस करेंगे अपने अंदर, दोनों हाथों में, पूरे सर के अंदर परम चैतन्य, आज्ञा चक्र पे परम चैतन्य, पूरे अंदर तक ले जाएंगे सब चक्रों पे, विशुद्धि में परम चैतन्य, मध्य हृदय में परम चैतन्य उतर रहा है, नाभि चक्र पे जा रहा है, संतुष्टि प्रदान कर रहा है परम चैतन्य नाभि चक्र पे। महसूस करते रहेंगे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आनंद लेंगे नाभि चक्र पे परम चैतन्य का। स्वाधिष्ठान चक्र पे भी फैल रहा है परम चैतन्य। मूलाधार चक्र पे गोल गोल फैल रहा है और बहुत ठंडा ठंडा। मूलाधार चक्र पे परम चैतन्य, परम चैतन्य मूलाधार चक्र पे श्री गणेश जी को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे जिनकी कृपा से सब संभव हुआ। नमन करेंगे, ऊपर आएंगे स्वाधिष्ठान चक्र पे, ब्रह्मदेव सरस्वती जी को नमन करेंगे, नाभि चक्र पे श्री विष्णु लक्ष्मी जी को नमन करेंगे, मध्य हृदय में जगदम्बा माँ को नमन करेंगे, विशुद्धि चक्र में श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे, आज्ञा चक्र में श्री जीसस क्राइस्ट, वैक आज्ञा में श्री महागणेश नमन करेंगे। सहस्त्र पे आ जाएंगे माँ के श्री चरणों में, फिर से दोनों हाथ खोले रहेंगे और महसूस करते रहेंगे कि ऊपर से आ रहा परम चैतन्य हमको स्नान करा रहा है लगातार, जैसे दूध की गंगा जल की धार हमारे ऊपर गिर रही है और हम नीचे बैठ के स्नान कर रहे हैं। दोनों हाथ गोद में खुले हुए, दोनों हाथ परम चैतन्य को ग्रहण करेंगे, जितना भी हम अपने अंदर ले सके, कण कण में अपने रोम रोम से परम चैतन्य को अपने अंदर लेंगे, नहाते रहेंगे परम चैतन्य की वर्षा में, पूरे सहस्त्रार्थ में परम चैतन्य फैल रहा है लगातार, दोनों हाथों में फैल रहा है। अब इस परम चैतन्य को अपने सहस्त्रार्थ से जिस जगह बैठे हैं वहां फैलाएंगे, चित्त ले जाएंगे अपने पूरे घर में, चित्त ले जाएंगे सहस्त्रार से परम चैतन्य को चारों तरफ फैला देंगे चित्त के माध्यम से, पूरी सोसाइटी में चित्त ले जाएंगे, अपने पूरे शहर में चित्त ले जाएंगे, पूरे भारतवर्ष में ले जाएंगे चित्त को, अमेरिका में ले जाएंगे, अफ्रीका में ले जाएंगे चित्त को, विश्व के मानचित्र पे दृष्टि बनाए रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में ले जाएंगे, यूरोप में, एशिया में, इंग्लैंड,
बहुत कोविड फैल रहा है वहां पे, ब्रह्मांड का, धरती का हृदय है इंग्लैंड। इंग्लैंड में परम चैतन्य की वर्षा करेंगे, धीरे धीरे भारतवर्ष में आ जाएंगे, अपने शहर में आ जाएंगे, धीरे धीरे अपनी सोसाइटी और वापस अपने सहस्त्रार पे, घर में आ जाएंगे। सहस्त्रार से परम चैतन्य सब जगह फैल गया, बैठे रहेंगे इसी मुद्रा में और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे माँ से। प्रेयर फॉर फॉरगिवनेस। इस क्षमा याचना के साथ आज का ये ध्यान सत्र हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं, संपन्न करने जा रहे हैं। और चलते चलते श्री माता जी से हर रोज की तरह कुछ प्रार्थनाएं। हे परम पावनी माँ, आपने हमें साक्षात्कार दिया, इस पृथ्वी पे अवतरण लिया माँ, स्वर्ग से आप आई, इतना कष्ट सहा, कितनी तकलीफें सही माँ। श्री माता जी, आपने सहज योग के लिए कितना कार्य किया, इतनी यात्राएं की माँ, हमको सभी शक्तियां प्रदान की, कुंडलिनी जागरण के लिए हमें सक्षम बनाया। हे परमेश्वरी, आपसे विनती है कि हमें अपना एक बहुत सुंदर यंत्र बनाए और सहज योग के प्रचार प्रसार के लिए हमसे जो भी कार्य आप ले सकते हैं श्री माता जी, वो ले लीजिए और अपनी समस्त गुण और शक्तियां हमें प्रदान करें, ताकि हम निर्बाध रूप से
निर्भीकता से, प्रसन्नता से आपके इस कार्य को संपन्न कर सकें श्री माता जी। माँ कृपा करें और हमें अपना यंत्र बना लें श्री माता जी, अपना यंत्र बना लें माँ, बना लीजिए श्री माता जी। हे परम पावनी माँ, आपने हमारी आत्मा को जागृत किया, कृपा करें और हमारे चित्त को सदैव हमारी आत्मा पे ही रखें माँ, हमारी आत्मा सदैव जागृत रहे श्री माता जी, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें सत्य का बोध कराए, दुष्ट भाव से हम आपकी लीला को देखें, आपने जो जीवन मेरे लिए रचा उसको मैं अभिनय मात्र समझ के जीऊं, क्योंकि मैं इसकी निर्मात्री नहीं, मैं इसकी रचयिता नहीं, आपकी लीला का आनंद लो मां, सदैव आत्म स्वरूप में रहो श्री माता जी। हे परम पावनी माँ, आपका प्रेम मैं सब में बांट सकूं, इसके लिए आप मुझे अपना यंत्र बनाए माँ, सबको उनकी आत्मा की जागृति मेरे माध्यम से मिल सके ऐसा यंत्र बनाए माँ, और मेरे ही माध्यम से आप जो भी मुझे दिखाना चाहती हैं वही दिखाएं, जो भी सुनाना चाहती हैं वही सुनाएं, जो भी मुझसे बुलवाना चाहती हैं वही बुलवाएं माँ, जो भी मुझसे कराना चाहती हैं वही कराएं श्री माता जी, जैसा आप मुझे बनाना चाहे बना लीजिए माँ, मैं आपकी हूँ, मेरा जीवन आपका है, मेरा सब कुछ आपका ही है माँ, आप ही का है माँ, आप ही का है श्री माता जी, आप ही का है श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज के ध्यान सत्र को हम यही संपन्न करते हैं और इन शुभकामनाओं के साथ कि श्री माता जी हर पल हर वक्त हर क्षण हम सबके साथ रहें, सबको ही तैसे नमन। जय श्री माता जी। 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 जय श्री माता जी।